नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट पर दोस्तों स्वागत है। रविंद्र जडेजा ने पहले गेंद से कमाल किया, उसके बाद अब बल्ले से धमाल मचा रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने नागपुर टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारत के लिए इन्होंने शानदार 50 लगा दिया है और इस समय क्रीज पर डटे हुए हैं अक्षर पटेल के साथ, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत 100 रन से ज्यादा की बढ़त हासिल कर चुका है, लेकिन रविंद्र जडेजा की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में उभारा है, वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा काम आ रहा है। बता दें कि इससे पहले रोहित शर्मा ने 120 रन की शानदार पारी खेली, अपने टेस्ट करियर का 9वां उन्होंने शतक लगाया। साथ ही भारत के ऐसे पहले कप्तान बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का कारनामा किया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का भारतीय टीम पर दबदबा होगा और यूं ही तुरंत झटके में जो है आउट करके फिर से जो है बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के निचले ऑर्डर के बल्लेबाज जो है शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिडिल ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक छोर को संभाल के रखा है, जबकि एक तरफ से अक्षर पटेल भी रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ दे रहे हैं। खबर मिलने तक भारतीय टीम 288 रन बना लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पे। रविंद्र जडेजा फिलहाल 57 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अक्षर पटेल 30 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।